नमस्कार, आज की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका सभी का स्वागत है। मैं आचार्य रितेश कुमार आज यहाँ आया हूँ आपके लिए अकाउंटेंसी के महत्वपूर्ण टॉपिक और अगले चैप्टर के साथ, जिसका नाम है साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इससे पहले मैंने आपको साझेदारी का सामान्य परिचय की वीडियो उपलब्ध कराई है, साझेदारी प्रवेश के अंतर्गत वीडियो उपलब्ध कराई हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। उम्मीद है, आशा करता हूं कि वो आपकी समझ में आया होगा। यदि उससे संबंधित भी आपको कुछ क्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका सॉल्यूशन उसका ज़रूर दूंगा। तो आज मेरा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। तो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ज़्यादा अगर नहीं सोचें और ज़्यादा ही केवल इस पर जाएं तो क्या लिखा है, साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण, रिटायरमेंट, इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे कि जब व्यक्ति किसी संगठन से, किसी संस्था से अपने कार्यों से मुक्त होता है, अपने कार्यों से मुक्त होता है तो वे रिटायरमेंट कहलाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है साझेदारी संस्था में साझेदार द्वारा रिटायरमेंट की। तो देखते हैं कैसे। मान लीजिए किसी संस्था में ए, बी और सी तीन पार्टनर थे, तो पार्टनर्स जो साझेदारी का निर्माण होता है, जो साझेदारी की स्थापना होती है, वो किसी व्यवसाय द्वारा उससे होने वाले लाभ को बांटने का, लाभ हानि को बांटने का एक समझौता होता है। तो इसमें जो भी लाभ या हानि उस व्यवसाय में होती है, उसको बांटने के लिए साझेदारों द्वारा एक लाभ हानि वितरण अनुपात का निर्धारण किया जाता है। तो मानते हैं कि ए, बी, सी तीन पार्टनर्स थे और इनका अनुपात 5:3:2 है, ठीक है। तो किसी फर्म में मैं मानकर चल रहा हूँ कि तीन साझेदार कार्यरत थे, ए, बी और सी, और जो भी फर्म का लाभ या हानि होता था उसे वो 5:3:2 के अनुपात में बांटते थे। इस प्रकार उनका व्यवसाय चल रहा था। लेकिन जब साझेदारी फर्म की स्थापना होती है तो साझेदारों के मध्य आपसी अनुबंध होते हैं, उस अनुबंध के आधार पर साझेदारी संचालित की जाती है। तो यदि साझेदारी अनुबंध में इस तरह का कोई समझौता है साझेदारों के बीच कि वो इतने समय तक साझेदार रहेगा, या कोई साझेदार अपनी एक कार्य क्षमता, एक उम्र की कार्य सीमा होती है कि उस उम्र को पार कर जाता है, यानी वो वृद्धावस्था में पहुंच जाता है और कार्य करने में सक्षम नहीं रहा, या वो अधिक बीमारी के कारण फर्म को छोड़ना चाहता है। बहुत सारे रीज़न ऐसे हो सकते हैं कि वो फर्म को छोड़ना चाहता है, फर्म से जाना चाहता है। तो इस प्रकार जिस किसी भी कारण से कोई साझेदार फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो ये साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण कहलाता है, ठीक है। यानी किसी साझेदार का फर्म से चला जाना साझेदारी अवकाश कहलाता है। इस स्थिति में फर्म की समाप्ति नहीं होती है, केवल साझेदारी की समाप्ति होती है। जो शेष साझेदार वो बचते हैं, वो फर्म को संचालित करते रहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें ए, बी, सी, मैंने तीन साझेदार यहाँ लिखे हैं और इसमें बी जाना चाहता है, तो ये क्या, ये रिटायरिंग पार्टनर हो गया, यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार बी जा रहा है। अब जो ए और सी जो शेष पार्टनर हैं, इन्हें कंटिन्यूइंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर्स भी बोलते हैं, शेष साझेदार वो फर्म को संचालित करते हैं, बी चला जाता है और ए और सी यानी जो शेष साझेदार बचते हैं वो फर्म को संचालित करते हैं। इस दशा में, यानी कि जब कोई साझेदार चला जाता है तो फर्म का पुनर्गठन होता है। इन दोनों के बीच नए आपसी समझौते निर्धारित किए जाते हैं और ये एक नई फर्म के रूप में फर्म को आगे चलाते हैं। फर्म अपना कार्य बंद नहीं करती है, कार्य वही चलता रहता है, लेकिन उनके आपसी जो अनुबंध हैं वो थोड़े बदल जाते हैं। जैसे बी चला गया तो ए और सी
फ्यूचर में उस व्यवसाय को आगे लेकर जाएंगे, बीच से तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। तो वो अपना आपसी एक अनुबंध बनाते हैं और उस फर्म को संचालित करते हैं। लेकिन यहाँ बात आगे फ्यूचर की नहीं हो रही कि ए और सी कैसे फर्म को संचालित करेंगे, बात हो रही है रिटायरमेंट की, कि जब बी जा रहा है उस समय फर्म में क्या कार्यवाही की जाती है, क्या क्या किया जाएगा उस स्थिति में जब कोई सायेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। तो यही टॉपिक है। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको वीडियो को बार 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 देखिए, ताकि क्योंकि जो आगे जो भी मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा वो मोस्टली मेरे इसी टॉपिक पर डिपेंड करेंगे, अन्यथा आपकी वो वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो देखते हैं आगे। मैंने बताया था अभी ए बी और सी तीन सायेदार थे, बी जा रहा है, तो बी जब जाएगा तो क्या क्या किया जाएगा, अब देखते हैं, समझते हैं। ये सारी चीज़ें आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपकी सहायता करेंगी, इसलिए इस चीज़ को आपको बहुत समझना है। और अगर ये चीज़ आपके समझ में नहीं आती है तो आगे न्यूमेरिकल सेक्शन भी आपके समझ में नहीं आएगा। तो इसको बार बार आप देखें, बार बार आप देखें, ताकि आगे जब मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर आऊं तो उसमें आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जब यहाँ बी अवकाश ग्रहण करता है तो मान लीजिए कि ए बी सी सायेदार थे, तीनों लोग व्यवसाय कर रहे थे। तो जब सायेदारी संस्था की स्थापना होती है तो कैपिटल ए भी लाता है, कैपिटल बी भी लाया होगा और कैपिटल सी भी लाया होगा। तो जब सायेदार अवकाश ग्रहण करता है, यानी जो जा रहा है, फर्म उसका हिसाब बनाती है, फर्म उसका हिसाब बनाती है कि अब तक जो उसने फर्म में सायेदारी द्वारा व्यवसाय किया है तो फर्म को उसे कितना देना है, यानी उसका हिस्सा कितना निकल रहा है फर्म पर, या फर्म को उससे कितना लेना है। ये सारी चीज़ सायेदारी अवकाश के अंतर्गत होती है। यानी सायेदारी अवकाश का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जब कोई पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है तो उसका एक हिसाब बनाया जाता है कि ये भैया तुम्हारा हिसाब है। क्यों? क्योंकि उस हिसाब को उस सायेदार को भुगतान किया जाता है, उस हिसाब को उस सायेदार को भुगतान किया जाता है। तो ये देखा जाता है कि कौन कौन सी मदें उसे दी जाएंगी, कौन कौन सी मदें उसके हिस्से की बनती हैं और कौन कौन सी मदें उसने उसके हिस्से में से काटी जाएंगी। तो इन दोनों मदों को दी जाने वाली मदों में से काटी जाने वाली मदें यदि घटा दी जाती हैं तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि की गणना हो जाती है। सायेदारी अवकाश ग्रहण के अंतर्गत तो उसको भुगतान की जाने वाली राशि की गणना ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं उसको कौन कौन सी राशियाँ दी जाएंगी, दी जाने वाली राशियां क्या, कौन कौन सी राशि दी जाएगी। पहले सबसे पहले नंबर एक क्या, पूंजी, कैपिटल। क्यों? क्योंकि जिस दिन ये फर्म में सायेदार बना होगा उस दिन ये अपने हिस्से की पूंजी लाया होगा, और आज जब वो जा रहा है तो अपने हिस्से की पूंजी लेकर जाएगा, ठीक है। यानी उसे जो पुराने चिट्ठे में जो पूंजी का शेष होता है, पूंजी का बैलेंस होता है, वह उसको दिया जाता है। दूसरे नंबर पर अनडिवाइडेड प्रॉफिट। अनडिवाइडेड प्रॉफिट का मतलब है कोई आवितरित लाभ, जैसे जनरल रिजर्व या लाभहानि खाते का क्रेडिट सेस, ये सारी चीज़ें यदि बांटा नहीं है। आवितरित लाभ का मतलब यही है कि सायेदारों ने लाभ कमा लिया ए और बी और सी ने, लेकिन उसको अभी तक बांटा नहीं है। तो बांटने के लिए अब वो क्योंकि अवकाश कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो उसे सायेदार को वो आवितरित लाभ का भी हिस्सा दिया जाएगा। यानी कि इसे सामान्य संचय भी बोल सकते हैं, सामान्य संचय या लाभहानि खाते का, लाभहानि खाते का क्रेडिट शेष, सामान्य संचय लाभहानि खाते का क्रेडिट शेष, इसे हम क्या बोलेंगे, आवितरित लाभ।
यह है हमें कहाँ मिलेगा, यह हमें कहाँ मिलेगा, तो यह आपको मिलेगा बैलेंस शीट की, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज वाले कॉलम में यह आपको मिलेगा। यदि वहाँ सामान्य संचय या लाभानि खाते का शेष दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको बांट कर समाप्त कर देना है, क्योंकि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भी वो हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद ये तो वो लाभ होता है जो आपको स्पष्ट उसमें दिखाई देगा। उसके बाद जैसा कि मैंने साझेदारी प्रवेश में बताया था, क्या पुनर्मूल्यांकन खाता रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर भी संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और उससे होने वाले लाभ या हानि को सभी साझेदारों में बांटा जाता है। याद रखना, जो पुरानी चीज़ बांटी जाएंगी वो सभी साझेदारों में बांटी जाएंगी, क्योंकि उसमें इन तीनों का ही हिस्सा यानी सभी साझेदारों का हिस्सा होगा, यानी कि पुनर्मूल्यांकन पर लाभ। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, याद रखना लाभ बांट रहा हूं, उसे मैं दी जाने वाली मदों की गणना कर रहा हूं, ठीक है, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, ठीक है। अब उसे इसमें हमें पुनर्मूल्यांकन खाता वैसे ही बनाना पड़ेगा जैसे हम उसमें बनाते थे, तो पुनर्मूल्यांकन पर लाभ भी उसे देना पड़ेगा। फिर है ख्याति का हिस्सा, ख्याति का हिस्सा, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, इसको लेकर चलेंगे अब। ख्याति का हिस्सा, ये मैं यहाँ आपको केवल मेन पॉइंट बता रहा हूँ, सवाल में मोस्टली इतने ही आते हैं, ज़्यादा चीज़ें नहीं आती बांटने के लिए, ठीक है, सवाल की सिचुएशन के हिसाब से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, आपके कोर्स में इतना ही है, जैसे जीवन बीमा पॉलिसी वगैरह भी इसमें बैठती है उसका, लेकिन वो इसमें है नहीं, इसलिए मैं आपको केवल जो आपके न्यूमेरिकल सेक्शंस में यूज़ होंगी वही यहाँ आपको मैं लिखवा रहा हूँ। ख्याति का हिस्सा, ख्याति का हिस्सा, वही चीज़, ख्याति क्या है, प्रसिद्धि के कारण, व्यापारी के नेक नामी के कारण, व्यापारी के नाम के कारण फर्म जो अतिरिक्त लाभ कमाती है वो ख्याति कहलाता है। अभी आप देखा, यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों साझेदार हैं, तो ए भी पार्टनर है, बी भी पार्टनर है और सी भी पार्टनर है, तो तीनों लोग फर्म को चला रहे थे, तो ऐसा ही नहीं कि उसमें ए ने ही मेहनत की हो या बी ने ही मेहनत की हो या केवल सी ने ही मेहनत की, उसमें सभी ने मेहनत की है, यानी कि जो भी ख्याति फर्म ने उत्पन्न की है, जो भी ख्याति फर्म की है, वो ये माना जाता है कि वो तीनों ही पार्टनर द्वारा कमाई गई है। तो उस जब साझेदार जाता है, सब साझेदार जाता है, तो उसे उस ख्याति का हिस्सा भी दिया जाता है जो उसके हिस्से की निकल कर आती है। याद रखना, मैं ये टॉपिक थोड़ा अभी मैं आपको और डिटेल में बताकर चलूँगा, ठीक है, ख्याति, क्योंकि यही आपको ज़्यादा परेशान करेगी। तो ख्याति का हिस्सा कैसे बढ़ता है, कैसे बांटा जाता है, वो अभी मैं बात करूँगा। पहले यहाँ मैं दी जाने वाली मदों के बाद अब चलता हूँ, जो काटी जाएंगी मदें, जो इससे काटी जाएंगी मदें, दी जाने मदें किसमें से, जो इससे काटी जाती हैं। अब जो काटी कैसे जाती हैं, मान लीजिए कोई हानि है, इसमें कभी कभी एक पांचवी चीज़ ये और आ जाती है, अगर साझेदारों की पूंजी स्थायी है, मैंने आपको बताया था स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी, यानी फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, उस स्थिति में चालू खाता, करंट अकाउंट खोला जाता है। तो यदि चालू खाते का यानी करंट अकाउंट का, चालू खाते का क्रेडिट शेष यदि है, तो वो भी पार्टनर को दिया जाता है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ जो मदें उसने पहले ले रखी है या जो काटी जाएंगी, उसमें से हानि हुई है तो उसको दी तो नहीं जाएगी ना, हानि तो उसकी पूंजी को क्या कर देगी, कम कर देगी ना, तो इसलिए हानि उसको दी जाने वाली राशि में से कट कर दी जाती है। दूसरा है हानि, चाहे वो हानि में एक साथ लिख देता हूँ, वो हानि चाहे इस तरह की हो, आवितरित हानि हो या पुनर्मूल्यांकन बाहर हानि हो, वो जितनी भी हानियाँ होंगी वो सारी की सारी कट की जाएंगी। दूसरा है आहरण, ड्राइंग्स, जैसे उसने फर्म से कोई पैसा निकाल रखा है तो वो भी उसकी उस राशि में से कट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा, चालू खाते का डेबिट शेष, यहाँ मैंने क्या लिखा है, चालू खाते का क्रेडिट शेष, यहाँ पर लिखेंगे चालू खाते का डेबिट शेष,
चालू खाते का डेबिट से कट कर लिया जाता है क्योंकि ये राशि उससे लेनी होती है। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, पुरानी ख्याति। पुरानी ख्याति ये आपको मैं कट करने वाली चीजें बता रहा हूं, इसलिए मैं ख्याति को यहां लिख रहा हूं, मुझे नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन वो आप जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहां हेल्प मिलेगी आपको। ये आपको पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स में मिल जाएगी, पुरानी ख्याति। ये दोनों टॉपिक में अभी यहां लेकर चलूंगा। जब सायदार द्वारा अवकाश ग्रहण किया जाता है तो नई ख्याति की गणना करी जाती है, और पुरानी ख्याति जो भी चिट्ठे में होती है वो प्रवेश में भी मैंने आपको बताया था कि उसको फर्म से समाप्त कर दिया जाता है, उसे आगे नहीं लेके चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे, मैं याद रखना, मैं अभी ख्याति को अभी आप समझाऊंगा, उसके बाद देखते हैं। हाँ, तो मैंने अभी यहां लिखा था 5-3-2, अब बी जा रहा है तो यानी कि उसका अनुपात भी खत्म हो जाएगा, आगे कौन बचेंगे, ए और सी, ए और सी बचेंगे। तो इनका ये तो था ओल्ड रेशियो, ये इनका था ओल्ड रेशियो। अब ए और सी जब आएंगे और उनका जब अनुपात बनेगा तो वो कहलाएगा न्यू रेशियो। तो कैसे बनेगा, पूरा हटा दीजिए इसको, कितना बचा 5 और 2, ये इनका अनुपात रहता है 5 और 2, यानी कि जो सायदार जा रहा है उसका अनुपात आप हटा दीजिए। यदि प्रश्न में नया अनुपात नहीं बताया हो तब इस कंडीशन को करना होता है, इस तरह करना होता है। यदि फर्म में स्पष्ट रूप से नया अनुपात दे देते हैं तो वही लागू होता है, अन्यथा नए अनुपात की गणना सिंपली ऐसे की जाती है। वो ओल्ड रेशियो था और यह है न्यू रेशियो। पहले था 5-3-2, आज है कितना, केवल 5-2। अब इससे एक चीज निकल के आती है, वो है गेनिंग रेशियो, इसे हिंदी में बोलेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात। लाभ प्राप्ति अनुपात आपको ये याद करना है। मैंने उसमें प्रवेश वाले चैप्टर में आपको प्रवेश के अंतर्गत एक रेशू पढ़ाया था, सेक्रीफाइज रेशू, त्याग अनुपात। त्याग अनुपात के बाद आज ये दूसरा अनुपात आया है गेनिंग रेशू, रेशियो लाभ प्राप्ति अनुपात। यानी तीन प्राप्त के आपके अनुपात हो गए, एक लाभहानि वितरण अनुपात, इसको लाभहानि वितरण अनुपात बोलेंगे, ठीक है, लाभहानि वितरण अनुपात, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात। तो लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है, त्याग अनुपात क्या था, जब फर्म में नया साझेदार आता है तो पुराने साझेदारों के अनुपात में कमी होती है, वो त्याग अनुपात कहलाती है। जस्ट उसका उल्टा, जब कोई साझेदार जाता है तो फर्म से वो अपना हिस्सा कुछ ऐसे करके उठा के तो नहीं लेके जाता ना, वो अपना फर्म का हिस्सा यानी जो गुडविल है वो वहीं छोड़कर जाता है जिसके वो पैसे ले लेता है। तो इस प्रकार साझेदारी अवकाश ग्रहण के अंतर्गत जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो उसका अनुपात समाप्त हो जाता है। तो उसके अनुपात जो शेष साझेदार हैं वो लोग आपस में बांट लेते हैं, यानी कहने को वो अनुपात उसको खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार शेष साझेदारों के अनुपात में जो वृद्धि होगी वो त्याग अनुपात कहलाएगी। मान लीजिए आपने कभी कभी देखा होगा कि खाने पीने की कुछ चीज़ें मंगाई गई, मान लीजिए तीन लोग थे और तीनों के हिसाब से, दो दो के हिसाब से तीन लोगों के लिए 6 समोसे मंगाए गए, दो इसके, मान लीजिए इन्हीं में बांट लेते हैं, 6 समोसे मंगाए गए, दो इसके और दो इसके। अचानक से क्या हुआ कि बी अपने समोसों को नहीं खा पाया और वो वहाँ से चला गया। पहले तो दो दो आ रहे थे तीन लोगों में, आज 2 लोग हैं और 6 समोसे हैं। तो पहले इन्हें कितने कितने मिल रहे थे, इन्हें 2 मिल रहे थे, इसे भी 2 मिल रहे थे, लेकिन ये इसने नहीं खाए। अब ये 2 समोसे जो बढ़ गए, ये बच गए, वो उसे ए और सी आपस में बांटेंगे, मान लो एक इसने ले लिया, तो इसके कितने हो गए 3 और इसके कितने हो गए 3,
तो आपने देखा पहले तो इनको मिले थे दो दो, जब बी भी था, जब बी ने अवकाश ग्रहण कर लिया तो उनको मिलना है तीन तीन, तो उनके समोसों में वृद्धि हुई नहीं हुई। तो इस प्रकार साझेदारी अवकाश के अंतर्गत जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदार जो बचते हैं उनके अनुपात में कुछ वृद्धि होती है, वो वृद्धि ही गेनिंग रेशियो कहलाती है। यानी कि अब आप समोसे छोड़िए, इधर देखिए, मान लीजिए लाभ पहले तीन लोगों में बट रहा था, लाभ पहले तीन लोगों में बट रहा था तो कम कम आ रहा होगा, एक चला गया, तो अब लाभ पहले तीन में बट रहा था, अब दो में बटेगा नहीं बटेगा, तो उनको लाभ प्राप्ति की जो मात्रा है वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए जो जितनी ज़्यादा होगी वो गेनिंग रेशियो ही कहलाती है, लाभ प्राप्ति अनुपात ही कहलाती है। यानी कि इसका फॉर्मूला क्या निकलता है, इसका फॉर्मूला निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, ये गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। अभी मैंने यहाँ ख्याति लिखी थी, गुडविल लिखी थी, तो मैंने बताया था कि मैं अभी दोबारा टॉपिक पर आऊंगा, तो सुनिए वो टॉपिक क्या है। जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो वो अपने हिस्से की ख्याति को से साझेदारों में बेच कर जाता है तो अब वो जो ख्याति है शेष साझेदार उस ख्याति को ले लेते हैं। यानी कि जो ख्याति अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को दी जाएगी वो कौन देंगे, ए और सी तो देंगे, तो वो देंगे कितनी कितनी, जितना उनका लाभ अनुपात बड़ा होगा। जैसे मान लीजिए इस समोसे की कीमत 5-5 रुपये थी, वो 10 रुपये के समोसे छोड़ के जा रहा है, यदि वो एक समोसा इसे मिला तो 5 रुपये ये देगा, 5 रुपये ये देगा, ठीक है ना, क्योंकि उसके समोसे के पैसे हैं, उसकी ख्याति के पैसे हैं। लेकिन मान लीजिए ये कहता है कि भैया मैं नहीं ले रहा, तो क्या है, वो पूरे के पूरे इसे ही तो मिलेंगे। अब क्या वो ये समोसे के पैसे देगा, नहीं देगा ना, क्यों, क्योंकि इसका लाभ प्राप्ति अनुपात नहीं बढ़ा। जिसका लाभ प्राप्ति अनुपात बढ़ता है, जिसका गेनिंग रेशियो बढ़ता है, जिसको गेनिंग रेशियो मिलता है, वही व्यक्ति, वही साझेदार अवकाश ग्रहण करने वाले व्यक्ति को साझेदारी के अंतर्गत ख्याति का भुगतान करता है। इस स्थिति में इसे 4 मिले, यानी इसी अब यही 10 रुपये उसको एक्स्ट्रा देगा। तो गेनिंग रेशियो के अंतर्गत क्या होता है, जो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के हिस्से की ख्याति होती है उसे जो गेनिंग पार्टनर है वो भुगतान करते हैं, और उनकी एंट्रीज क्या होती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। यह अवकाश लेने वाला साझेदार है, इसको पूंजी, इसे राशि मिलेगी, इसलिए क्रेडिट हो रहा है। देंगे कौन, गेनिंग पार्टनर, जिनका अनुपात में वृद्धि हुई है उन्हें गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, वो लोग इसके हिस्से की ख्याति को देंगे। ठीक है, तो ख्याति में मान लीजिए किसी फर्म की ख्याति 10,000 थी, इसका हिस्सा कितना है 3,000, तो 3/10, 5, 3, 2, 10, 3,000 रुपये इसकी हिस्से की ख्याति हो, किसी फर्म की ख्याति 10,000 थी, इसका हिस्सा 3, 3/10, 3,000 रुपये रिटायरिंग पार्टनर को मिलेंगे। लेकिन देगा कौन, मान लो ए देगा और सी देगा, ए देगा 2,000 और सी देगा 1,000, तो इस तरह एंट्री बनेगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट 3,000 रुपये। इस प्रकार ये साझेदारी के अंतर्गत गेनिंग रेशियो के अनुसार ख्याति को बांटने की एंट्रीज कर दी जाती है। ठीक है, तो ये क्या समझाया मैंने कि लाभ प्राप्ति अनुपात की का यूज कहाँ है, ख्याति को बांटने में। जब वो साझेदार जाएगा तो अपने हिस्से की ख्याति जो लेके जाएगा वो गेनिंग अनुपात में ही लेके जाएगा, गेनिंग रेशियो में ही लेकर जाएगा। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है
समझ में आया होगा, अभी और भी है। जैसे जैसे न्यूमेरिकल सेक्शन आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं और भी इसके अंदर की चीज़ें लाऊंगा। आज के लिए इतना ही, उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, देखते रहिए, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको और अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।